हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखिए सुंदर सी दरी बनाएंगे, मैट, कारपेट, कुछ भी आप बना सकते हैं। देखिए मैंने बनाई हुई है यहाँ पे दरी, और ये भी सिर्फ पुरानी बेडशीट से बनाई हुई है। आप वीडियो में बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। देखिए कितनी सुंदर सी लेयर वाली बिल्कुल दरी हमारी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है इसे बनाना, और काफी बिग साइज की ये बनी हुई है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक पुरानी बेडशीट, और जो ये बेडशीट है ना, देखिए काफी टाइम पुरानी है, और देखिए काफी मजबूत है, लेकिन ये फट नहीं रही थी बिल्कुल भी। और जो ये फटी हुई है ना, इस तरीके से ये कुछ फट गई है बीच बीच से। जो इसका बेकार वाला पार्ट है वो मैं हटा दूंगी, और जो अच्छा पार्ट है वो उसको मैं ले लूंगी। तो स्ट्रैप में लंबे लंबे से काट ले रही हूँ, तो इसमें ना लाइनिंग सी बनी हुई है अलग अलग कलर की। तो देखिए दो दो कलर की मैं लाइनिंग काट लूंगी एक जैसी। तो करीबन 3 इंच के करीब ये हो रहा था जो कटा हुआ पीस है, जो स्ट्रैप है। तो देखिए पूरी बेडशीट में से इस तरीके से मैं स्ट्रैप निकाल लूंगी, और जितने भी ये ना डबल बेड की बेडशीट है, और काफी ज्यादा इसमें कपड़ा जो है बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रैप बहुत सारे इसमें से निकल जाएंगे, और एक सुंदर सी हमारी दरी बन जाएगी। पायदान, गलीचा, कारपेट आप कुछ भी बना सकते हैं। और देखिए जो डिजाइन मैंने डाला हुआ है ना, ये डिजाइन बन के बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था, और इतना ही ज्यादा ये इजी भी है। तो आप जब बन जाएगा ना, तो आप बता ही नहीं सकते कि इतने इजी तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पुराना कॉटन का कपड़ा। आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, बेडशीट ले लीजिए, जीन्स पैंट का कुछ भी ले सकते हैं। बेस के लिए हमें ये चाहिए होगा। तो देखिए मैं इसका मेजरमेंट आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने कितना बनाया वो मैं आपको बताऊंगी। और मैंने यहाँ पे एक पुराना टॉवल लिया हुआ है। तो देखिए दोनों को हमें साथ में स्टिच करना है। मैं इसे पिनअप कर लूंगी, और जो टॉवल है उसे कर्टन के साथ साथ में ही स्टिच कर दूंगी। लेकिन जो कर्टन है ना मेरा, वो चारों साइड से इसमें सिलाइयां लगी हुई थी, तो मैं इसकी जो दो साइड की सिलाइयां है ना, जो लंबाई साइड में है, उसे मैं निकाल लूंगी, क्योंकि उससे बाद में हमें पाइपिंग लगा के फिनिश करना है। अगर इस तरीके से ही छोड़ दूंगी तो वो ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो उसमें पाइपिंग नहीं लग पाएगी। तो फ्रेंड्स देखिये इस तरीके से इसको टॉवल को अच्छे तरीके से बिछा लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने जो कर्टन है और जो टॉवल है उसको आपस में स्टिच कर दिया, और जो स्ट्रैप है वो भी हमने काट के रेडी कर लिए हैं। देखिए बहुत सारे स्ट्रैप मेरे पास निकल गए हैं, तो इससे हमारी बहुत अच्छी बेडशीट बन जाएगी। अब हमें देखिए इस तरीके से इसे स्टिच करना है। एक कॉर्नर से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैंने ये जो साइड की सिलाई है ना, वो देखिए निकाल लिए दोनों लंबाई साइड की। अब देखिए बिल्कुल एक कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है इसे, जो हमने स्ट्रैप ली हुई है, और इसे डबल करके मैं इसे लगाऊंगी। तो देखिए डबल मैंने किया हुआ है, और जो कटा वाला साइड है ना, कटिंग वाला, वो अपनी साइड को रखा हुआ है, और इस तरीके से बाहर की साइड को वो फोल्ड किया हुआ है। अब आपको ना यहाँ पे वन बाय वन ये लगाते जाने हैं, और देखिए इस तरीके से लगाने जैसे मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल एक के बाद एक आपको लगाते जाने हैं, देखिए इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके अगेन उससे आगे से स्टार्ट करते जाना है। तो देखिए आप ना चारों कॉर्नरों पे इस तरीके से लगा लीजिए। फ्रेंड्स सॉरी, मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई हूँ, जो आप लंबाई वाला हिस्सा है ना, इसे बीच में से फोल्ड करके बीचों बीच में इसमें मार्क कर दीजिए, ताकि एक बीचों बीच में आपका मार्क आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और यहाँ तक आपको स्टिच करना है। तो देखिए एक साइड आप यहाँ तक स्टिच करेंगे मार्क तक, फिर आप दूसरे कॉर्नर से, जैसे ही आपने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया हुआ है, तो ऐसे ही दूसरे कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारा दो कॉर्नर हो गए, और देखिए दूसरी साइड भी मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, और यहाँ पे भी हम इस तरीके से ही बना लेंगे। तो देखिए मैंने चारों कोनों में इसी तरीके से बना लिया है, जैसे मैंने एक कोने में बताया हुआ था आपको, वैसे ही मैंने चारों कोने बनानी है, और जो ऊपर वाला मार्क है वहीं तक किया हुआ है। अब देखिए अब हमें यहाँ से स्टार्ट फिर से करना है। अब करना कैसे है, फिर से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जहां से अब यहाँ तक ऊपर तक, जहां तक हम इसको कम्प्लीट हुआ था, तो वो वाला जो बीच का हिस्सा है वहां तक हमें इस तरीके से मोड़ना है। देखिए जैसे मैंने पट्टी को मोड़ा हुआ है, और इस तरीके से मोड़ते हुए इसको हम आगे वाला जहां से खत्म होगा वहां से कटिंग कर लेंगे, फिर हम इसे दोबारा से यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको मोड़ना है, और यहां से आपको ऐसे करके बस पट्टियां ज्वाइंट करते जानी है, और स्टिच करता जाना है। अब देखिए हमें इस तरीके से इसे चौड़ाई वाली लंबाई वाली साइड में फोल्ड करना है, सॉरी। तो देखिए बीच में से मार्किंग करनी है, या फिर आप कट लगा लीजिए वहां पे, ताकि हमें पता चल जाए। दोनों साइड मैंने इस तरीके से कट लगा दिया है, देखिए बीचों बीच में। अब यहां से हमें स्टार्ट करना है, जैसे हमने वहां से खत्म हुआ था, हमारे दोनों कॉर्नर खत्म हुए थे, तो अब हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलना है। देखिए अभी हमने एक एक कॉर्नर करके सिला हुआ है, लेकिन अब हमारा
दो हिस्से यहाँ पे साथ में ही सिले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए कोना बनाना है, बिल्कुल कोना सा निकालना हुआ है, जैसे देखिए इस तरीके से हम कॉर्नर में कोने की पट्टी निकालते हैं ना, वही मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, और बाकी वहीं से आपको फिर आगे को इसे स्टार्ट करना है। तो देखिए जैसे मैं सिल रही हूँ ऐसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपको पट्टी की कटिंग कर लेनी है, फिर आपको वही पट्टी यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो देखिए आपको वन बाय वन इस तरीके से लगाते जाना है। अब आप इस साइड भी और जो दूसरी वाली साइड है, जो आपने दोनों कोने इसके सामने वाले सिले हुए वहां से भी, तो इसी तरीके से आप इसको स्टिच करते जाएंगे। अब देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे उसके बाद क्या करना है। जहां तक हमने कट लगाया हुआ था वहां तक आप, जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप इसको वहां फिर दूसरी वाली साइड इसको इसी तरीके से लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही सारी पट्टियां आप लगा लीजिए, दोनों साइड आपको इस तरीके से पट्टियां लगानी है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से आपको वन बाय वन पट्टी लेती जानी है और लगाते जानी है। अब देखिए मैंने दोनों साइड ही पट्टियां लगा ली हैं, जहां तक मेरा कट था वहां तक मेरी पट्टियां कंप्लीट हो गई हैं, बीच का इतना हिस्सा मेरा बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना सुंदर ये डिजाइन लग रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अब यहाँ पे हमें इसे कैसे स्टार्ट करना है। देखिए पट्टी मैंने ले ली है फिर से। अब जो पट्टी है ना, हमें यहाँ पे लंबी वाली पट्टी चाहिए होगी, तो देखिए सारी पट्टियों को आप ज्वाइंट करके एक लंबी पट्टी बना लीजिए और एक कॉर्नर से स्टार्ट करिए। और देखिए बाहर वाला जो कॉर्नर है ना, वहां से आपको स्टार्ट करना है और इस तरीके से। अब लंबी पट्टी है ना, तो आपको पट्टी लगाते जानी है, और यहाँ पे जो कोना हम बना रहे थे ना, वही वाला कोना अब आपको यहाँ पे भी बनाना है। देखिए इस तरीके से कोना बनाना है और बस पट्टी को सिलते जाना है, इस तरीके से सिलते जाएंगे। और लंबी जो पट्टी है ना आपकी, मैं तो आपको यहाँ पे आइडिया से दिखा रही हूँ ऐसे करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको करते जाना है, और लास्ट में आपकी जो बीचों बीच में जब आप आएंगे ना, आपकी पट्टी वहां पे कंप्लीट हो जाएगी और आपका डिजाइन भी वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पट्टी मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर ली है, लंबी पट्टी मैंने एक बना ली है, और सारी पट्टियों को ज्वाइंट करके मैं एक लंबी पट्टी पूरी इसकी बना लूंगी। उसके बाद मैं यहां से देखिए शुरू कर रही हूं, बाहर वाली साइड से हमने देखिए शुरू करना है, जहां से हमारा खत्म हुआ था, जहां पे हमने कट लगाया हुआ था वहीं से मैंने शुरू किया हुआ है। अब देखिए यहां पे भी हमें कोना बनाना है। अब हमें चारों कोनों पे चार कोने बनाने हैं, जैसे हमने पहले बनाया था। फ्रेंड्स पहले हम दो कोने बना रहे थे, एक साइड से शुरू कर रहे थे लगाना और बीच में एक कोना बना रहे थे और दूसरी साइड में खत्म कर रहे थे, लेकिन अब हमें चार कोने बनाने। जो मेरा कपड़ा है ना, इसके रफ इंजेस बहुत ज्यादा निकल रहे थे, तो लेकिन बहुत मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी कि जो इसके धागे निकल रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, वो जो धागे है ना वो अंदर दब जाएंगे सिलाई में और वो बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे सिलने के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए पुरानी बेडशीट का बहुत ही अच्छा यहाँ पे यूज हो जाएगा और हमारी सुंदर सी दरी बन जाएगी। और जो दरी बनेगी ना, ये बिल्कुल 100% वॉशेबल है, आप इसको किसी भी तरीके से मशीन में धोए, हाथ से धोए, कैसे भी इसको आप धो सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी, पूरा जो डायमंड शेप हमारा बीच में आपको दिखाई दे रहा था ना, उसे हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से पट्टी को पूरी लगाते हुए मैं इसको बीचों बीच में खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, और देखिए इस तरीके से जो हमारी दरी है वो बन जाएगी। अब देखिए जो बाहर इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो हमें काट लेना है और उल्टा करके हमें काटना है दरी की उल्टी साइड से, ताकि एक्स्ट्रा पार्ट का हमें पता चल जाए कि कितना बाहर है। अब देखिए इस तरीके से जो दरी है वो इस तरीके से दिख रही है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी हमें इसमें आगे हम इसमें और काम करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से मैंने एक कपड़ा लिया है, सेम जो चादर थी ना उसी का जो कपड़ा है वो बचा हुआ है, तो देखिए इस तरीके से मैंने ये लिया हुआ है उसी के बराबर का, और उससे जो है हमें दो दो इंच बाहर ज्यादा लेना है। अब देखिए उल्टी साइड से मैंने ये इस तरीके से बिछाया हुआ है, और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से बिछाएंगे, और जितना हमने बाहर लिया हुआ है ना दो दो इंच, उसे हम बाहर को लेते हुए पूरा चारों साइड से बराबर कर लेंगे और इसे पिनअप कर लेंगे। इसे सीधी साइड को पलटेंगे, और सीधी साइड से जो पलटेंगे ना, जो बाहर होगा उसे उस पट्टी को हम स्टिच करके फिनिश करेंगे। तो सीधी साइड को हमें पलट के सीधी साइड से इसको सिलाई लगानी है और फिनिश कर लेना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर जो है आपकी मैट यहाँ पे बन जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से जो मेरी मैट है वो मैं इसे कंप्लीट कर लूंगी, सीधी साइड को करते हुए जो बाहर कपड़ा है उसे फिनिश कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया, जो बाहर की साइड था ना उसे मैंने किनारों से सीधी साइड को पलटते हुए उसे स्टिच कर लिया। अब देखिए चारों साइड से हमारी जो दरी है बिल्कुल फिनिश है, और कितनी डिजाइनर दरी हमारी बन के तैयार हुई है, वो भी सिर्फ पुराने कपड़ों से। तो देखिये ये देखिये दूसरी साइड भी, जो इसकी उल्टी वाली साइड भी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी है। आप देख सकते हैं दोनों साइड आप इसको यूज कर सकते हैं, ये देखिए।
तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से, आप जो दूसरी इसकी अच्छी बात है ना, ये देखिए इस तरीके से जो इसमें लेयर आए हुए ना, जो नीचे इसका बेस भी नहीं दिख रहा और इसका बेस ये दिख रहा है कि इसी का ही इसका बेस बना हुआ है, जो हमने चादर का लगाई है इसमें देखिए स्ट्रैप है, तो ऐसा लग रहा है कि इसी का ही बेस बनाया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसमें अंदर भी क्या लगाया था, क्योंकि कुछ भी अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। और चारों साइड से देखिए ये फिनिश है और कितना सुंदर सा इसका डिजाइन बन गया और कितने इजी तरीके से हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने नियर और डियर में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पुराने कपड़ों का यूज करके आप भी बना सकते हैं सुंदर सुंदर दरी, डोरमेट, मैंने बहुत सारे डोरमेट भी शेयर किए हुए हैं, आई होप आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसका मेजरमेंट भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए जो इसकी लंबाई है ना, तो इसकी लंबाई काफी लंबा ये बना हुआ है, 42 इंचेस का, देखिए 42 इंचेस का लंबाई बनी हुई है। आप एक बार मेजर करके देखना अपने इंच टेप से, क्योंकि 42 इंच जो लंबाई होती है बहुत होती है। आप मार्केट से इस तरीके के कारपेट मैट लेते हैं ना तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, तो हमने घर पे ही ये बिल्कुल जीरो कॉस्ट बना लिया है। और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 26 इंच बिल्कुल बन के रेडी हुआ है, तो 42x26 का ये बना हुआ है, काफी लंबा चौड़ा है। तो देखिए इस तरीके से सिर्फ पुराने कपड़ों से ही जीरो बजट में हमने बनाया है, मार्केट से हमने एक भी पैसा इसमें नहीं लगाया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।